धरती पर तेजी से हो रहे पर्यावरण बदलाव से न केवल मानव बल्कि सभी जीव जंतुओं के जीवन के लिए अनेकों खतरे पैदा हो रहे हैं। ऐसे में आज पृथ्वी के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़कर जा सकें। ये बात उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस परिसर के सामने पौधारोपण के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर ईवीएम वेयर हाउस में पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचाना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जो हमारा चुनाव आयोग है उनकी पहल पे हमारे ईवीएम वेयर हाउस ऊना के साथ प्लांटेशन का प्रोग्राम किया गया है। ये चुनाव आयोग के निर्देश थे कि विश्व पर्यावरण दिवस पे चुनाव विभाग की तरफ से भी जो संदेश है वो लोगों को जाना चाहिए कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। हमारा जो पर्यावरण है वो एक हमारा साझा संसाधन है और कोई इसका अकेला स्वामी नहीं है। हम सब लोग जो हैं इसको इससे जीवन का निर्वहन करते हैं, तो हम सभी से आज के दिवस पे अपील करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण करें। आने वाले मॉनसून सीज़न में अधिक से अधिक प्लांटेशन अपनी ज़मीनों पे और जो सांझी ज़मीनें हैं उन पे करें, और पेड़ पौधे जो है वो जीवित देवता या जीवित वीर के रूप में माने गए हैं, उनको काटने से परहेज करें। अगर कोई उनको अवैध रूप से काटता है तो सरकार को या प्रशासन को सूचना दें और अधिक से अधिक पेड़ पौधों का संरक्षण जो है करें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा के साथ सुधीर चौधरी की रिपोर्ट।